नमस्कार, भारत प्लस में आपका स्वागत है। पठान कंट्रोवर्सी पर अभिनेता शाहरुख खान ने चुप्पी तोड़ी है। फिल्म पर विवाद के बीच उन्होंने पहली बार सार्वजनिक तौर पर बयान दिया। शाहरुख ने गुरुवार को कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इशारों में कहा, दुनिया चाहे कुछ भी कर ले, मैं और आप जितने भी पॉजिटिव लोग हैं सब जिंदा हैं। शाहरुख का इसका इशारा उन लोगों के लिए था जो सोशल मीडिया पर फिल्म को ट्रोल कर रहे हैं। शाहरुख यही नहीं रुके, उन्होंने लगे हाथ सोशल मीडिया पर नैरेटिव गढ़ने वालों की भी क्लास ले ली। मॉडर्न जमाने और सोशल मीडिया पर बात करते हुए शाहरुख ने कहा, आज के वक्त में सोशल मीडिया द्वारा एक कलेक्टिव नैरेटिव दिया जाता है। मैंने कहीं पढ़ा था, नेगेटिविटी सोशल मीडिया के यूज को बढ़ाती है, इसके अलावा इसकी कमर्शियल वैल्यू भी बढ़ती है। इस तरह की कहानियां हमें भटकाने और बांटने का काम करती हैं। शाहरुख ने कहा, चाहे कुछ भी हो, हमें पॉजिटिव रहना है, नकारात्मक सोच से दूर रहना है। शाहरुख इतना बोलते ही नेताजी इंडोर स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। पठान और दीपिका पादुकोण स्टारर मूवी पठान रिलीज से पहले विवादों में घिर गई है। इसका टीजर बुधवार को रिलीज हुआ। इसका पहला गाना बेशरम रंग भी रिलीज कर दिया गया है। इसमें शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण ने बेहद हॉट और बोल्ड सीन दिए हैं। इस गाने में दीपिका ने भगवा रंग की बोल्ड ड्रेस पहनी है। इसी को लेकर विरोध शुरू हो चुका है। शाहरुख खान, दीपिका और जॉन अब्राहम स्टार फिल्म पठान 25 जनवरी को रिलीज के लिए तैयार है। इसी बीच खबरें आ रही हैं कि फिल्म के लिए तीनों लीड सेलेब्स ने मोटी रकम वसूली है। दीपिका ने जहाँ पठान के लिए 15 करोड़ चार्ज किए हैं, वहीं जॉन ने 20 करोड़ रुपए की फीस ली है। खबरें हैं कि शाहरुख ने पठान के लिए 100 करोड़ रुपए की फीस चार्ज की है, जो कि दोनों एक्टर्स से कई गुना ज्यादा है। फिलहाल पठान फिल्म का विवाद बढ़ता ही जा रहा है। इस पर कई हिंदू संगठनों ने भी आपत्ति जताई है। देश दुनिया की ऐसी तमाम जानकारी पाने के लिए आज आप हमारे चैनल भारत प्लस को सब्सक्राइब करें।